Afternoon class, in last lecture we have done about the company rule expense, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी कैसे कैसे अपने रूल को बढ़ा रही है. मतलब एक ईस्ट इंडियन कंपनी जो जिसमें ब्रिटिशर एक ऑफिशियल था और वो यहाँ पे इसलिए आए थे कि ताकि वो बिजनेस यहाँ पे कर सके, मतलब यहाँ का जो सामान है वो बाहर जा सके, ठीक है. पर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो लोग इस लैंड को, इंडियन लैंड को अपने अंडर कंट्रोल करने लगे. मतलब धीरे धीरे टेरिटरी वो इस कंपनी के थ्रू अपने अंडर लेने लगे, ठीक है. तो कंपनी कितनी ज़्यादा एक्सपेंड हो गई और कंपनी ने बहुत ज़्यादा लैंड टेरिटरी सबके ऊपर कैसे रूल करना स्टार्ट कर दिया, इस बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है. तो हम ये मेन पढ़ रहे थे कि ब्रिटिशर्स की वजह से कहाँ से रूल हमारे ऊपर स्टार्ट हुआ, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था कि औरंगज़ेब था लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मुगल रूलर जिसने रूल किया. उसके बाद जब दोबारा से बंगाल में एक बैटल ऑफ प्लासे हुई, जिसके बारे में मैं आपको कल बता चुकी हूँ. बैटल ऑफ प्लासे में होने के बाद कंपनी की वो फर्स्ट वॉर थी जो वो जीत गई थी और उसने अपना पूरा बंगाल अपने अंडर कर लिया था. उसके बाद आता है, मैंने आपको ये भी बताया, जब कंपनी की जो लड़ाई है फिर उसके बाद टीपू सुल्तान से होती है, टाइगर ऑफ मैसूर से. वो क्यों होती है? क्योंकि उसने वहाँ से अपना, कहता है लोग, अपना जहाँ वो रहता है टीपू सुल्तान मैसूर में, वो बोलता है कि अब मैं यहाँ से अपना बिजनेस नहीं करने दूंगा उस कंपनी के साथ. तो उस कंपनी को रिस्ट्रिक्शंस लगती है वो बाहर, क्योंकि उन्हीं का बिजनेस करती है जो वहाँ पे कार्डेमन पेपर, ब्लैक पेपर, ये सब जो मसाले होते हैं वो कंपनी मना कर, टीपू सुल्तान मना कर देता है कि इन मसालों का बिजनेस कंपनी के साथ अब नहीं होगा, ठीक है. तो टीपू सुल्तान की वजह से कंपनी के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं. तो कंपनी क्या करती है, बहुत बार टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई करती है. तो ये लड़ाई 4 बार होती है, ठीक है, 4 बार, जिसमें से 4th time टीपू सुल्तान मर जाता है, क्लियर. ये मैंने आपको कल सारा बता दिया था. 1st time, 2nd time, 3rd time, 4th time में टीपू सुल्तान मरता है और जो टीपू सुल्तान की सारी जो टेरिटरी होती है, जितनी भी डायनेस्टी होती है, वो कंपनी के अंडर आ जाती है, क्लियर. वॉर विद द मराठास, आई गेस ये भी मैं आपको कल बता चुकी हूँ. वॉर विद द मराठास में ये था कि जो मैंने आपको बताया था कि जो मराठा रूलर्स होते हैं, जब मराठा रूलर्स थे, जैसे महाराणा प्रताप, वो भी एक मराठा थे, ठीक है, जो वो लोग रूलर्स थे, तो उन रूलर्स ने भी बहुत ज़्यादा वॉर किया, बहुत ज़्यादा रूल किया. कैसे किया? जैसे मान लो, एक सेकेंड, यस, अब जो मराठास थे, उन मराठास ने भी बहुत ज़्यादा रूल किया. उन मराठास ने कैसे रूल किया, देखो, धीरे धीरे जैसे मुगल रूलर्स जब थे उस टाइम पे मराठा भी रूल करते थे. तो हमारी कंट्री में पहले ये सिस्टम था कि हर किसी के पास छोटा छोटा उसका किंगडम है. मतलब उन्होंने सबने, ऐसे होता था, एक कोई राजा है वो अपनी जगह पे रूल कर रहा है, फिर दूसरा कोई राजा, ऐसे इंडिया में बहुत सारे राजा थे. लेकिन ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ, एक एक राजा के साथ ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती गई, वो राजा ख़त्म होता गया और वो जो लैंड थी, उनका जो किंगडम था, वो कंट्रोल उसके अंडर आ गया, ठीक है. तो मराठास के साथ भी सेम हुआ. मराठास ने क्या किया, बहुत सारे मराठास ने मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी. पहली लड़ाई में तो किसी की कोई हार जीत नहीं हुई. सेकंड लड़ाई में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी लैंड अपने अंडर ले ली, जैसे ओडिशा, असम, आगरा, यमुना रिवर के और ये दिल्ली पूरा अपने अंडर ले लिया. और थर्ड वॉर में फाइनली ब्रिटिशर्स ने सारे मराठास को हरा दिया, ठीक है. तो ये था हमारा मराठास के साथ लड़ाई. उसके बाद आता है द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी. देखो इसमें क्या है, एक जनरल होता है, एक गवर्नर जनरल, ठीक है. उस गवर्नर जनरल ने, लॉर्ड हेस्टिंग जिसका नाम होता है, ये आप यहाँ पे इमेज देखो, इमेज तुम्हारी बुक में दे रखी है, लॉर्ड हेस्टिंग, ये एक पॉलिसी निकालता है. लॉर्ड हेस्टिंग एक पॉलिसी निकालता है. ये पैरामाउंटेंसी वर्ड का पहले तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए. पैरामाउंटेंसी का वर्ड का मतलब होता है सुप्रीम. सुप्रीम क्या होता है, सबसे ऊपर, सबसे बड़ा, ठीक है. पैरामाउंट मतलब सबसे बड़ा, पैरामाउंटेंसी मतलब सबसे बड़ी, सुप्रीम या फिर सबसे बड़ी पावर. तो उसने, ये लॉर्ड हेस्टिंग ने ये पॉलिसी निकाली कि हमारी कंपनी सबसे बड़ी पावर है. अगर कोई भी अपने आप को क्लेम करता है इंडिया में कि हम उस कंपनी से बड़े हैं, तो हमारे आके लड़ाई करो हमारे साथ.
अब क्योंकि वो इतनी बड़ी पॉलिसी थी, तो अब देखो पहले ही वो इतनी लड़ाइयाँ कर चुके थे और इतनी सारी लैंड टेरिटरी उन्होंने अपने अंडर ले ली, अब उनके हाथ में इतना कुछ था, तो वो क्लेम कर रहे थे अब हमारी सबसे बड़ा किंगडम है, हमारी जो कंपनी है वो सबसे बड़ी पावर है, ठीक है, कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, और अगर किसी ने किया तो हम उसकी लैंड और उसका जो किंगडम है अपने अंडर ले लेंगे, ठीक है। ये थी हमारी क्लेम टू पैरामाउंटेंसी कि हमारी जो वो है सबसे बड़ी है हमारी कंपनी, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेट देन डेट ऑफ द इंडियन स्टेट, किसी भी इंडियन स्टेट से इस कंपनी की पावर बड़ी है, ओके। नेक्स्ट तुम देखो बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता है, डॉक्ट्राइन जैसे पैरामाउंटेंसी एक तरह की पॉलिसी निकाली गई है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी एक तरह की पॉलिसी थी, अब वो किसने निकाली, लॉर्ड डलहौजी, एक तो तुम्हें ना पता होने चाहिए कि मतलब जब लॉर्ड डलहौजी था तब ये पॉलिसी आई थी, कि कौन कौन सी पॉलिसीज कब आई है, जैसे द क्लेम टू पैरामाउंटेंसी वो कब आई थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स की टाइम पे, ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की टाइम पे कौन सी आई है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी कौन सी आई है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब तुम्हें पता होना चाहिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्या मतलब है, देखो जैसे तुम्हें पता चला पैरामाउंटेंसी का मतलब है कि सबसे बड़ी पावर, कि कंपनी कह रही थी हमारी बड़ी पावर है सबसे, अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का ये मतलब है, उन्होंने यह कहा कि कोई भी अगर राज्य है या फिर कोई भी अगर किंगडम है जहाँ पे किंग रूल कर रहा है और उस किंग का कोई भी बच्चा नहीं है, बेटा मतलब उसका सन बोलते हैं ना, सन नहीं है जो आगे जो नेक्स्ट जनरेशन होती है जो रूल करने के लिए, अगर वो नहीं है तो उसका पूरा किंगडम मरने के बाद हमारे अंडर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा राजा है जिसका कोई लड़का नहीं है, कोई बेटा नहीं है जो किंगडम पे रूल कर सके, तो उस राजा के मरने के बाद वो डायरेक्ट जो किंगडम है वो डायरेक्ट लैंड हमारे अंडर आ जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द डॉक्ट्राइन क्लियर दैट द इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर इस किंगडम वुड लैप्स, मतलब कि ऑटोमेटिकली कंपनी के अंडर आ जाएगी अगर उसका कोई भी लड़का नहीं है, मेल हेयर, मेल हायर का मतलब होता है अगर लड़का नहीं है, ठीक है, अगर सन नहीं है उसका, तो वो डायरेक्टली जो है कंपनी का पार्ट बन जाएगा। अब इसके थ्रू, इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को अपना बनाया, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, तुम देख रहे हो मतलब कितनी सारी स्टेट्स, कितनी सारी टाइम टू टाइम उनके अंडर कंट्रोल आती गई, ठीक है। तो ऐसे करते करते उनकी एक छोटी कंपनी जो बिजनेस करती थी वो इस लेवल तक आ गई कि उसने पूरे इंडिया पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, देखो इसमें ये है कि उन्होंने जब उनका जो तीन मेन जगह थी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का मतलब पता है ना तुम्हें, जैसे हमारे स्कूल का भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, ठीक है, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में हमारे क्या होते हैं, सारे स्कूल के ऑफिशियल काम होते हैं, पेपर वर्क, एवरीथिंग, जहाँ से सब कंट्रोल होता है, क्लियर। वैसे ही एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है हर जगह पे, जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते थे, पेपर्स रखते थे, तो उनकी वो हर स्टेट में था। अब उनके तीन मेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस थे, कहाँ कहाँ पे, मद्रास ब्रिटिशर, ये कहाँ, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है, कहाँ कहाँ थे तीन मेन, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, जिसको और उसको वो क्या कहते थे, प्रेजिडेंसीज, प्रेजिडेंसीज, ठीक है। मद्रास में, बंगाल में और बॉम्बे में उनके तीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेन ऑफिशियल ऑफिस थे जिनको वो बोलते थे प्रेजिडेंसीज, क्या बोलते थे, प्रेजिडेंसीज, ठीक है। अब वहाँ पे वो सारा अपना ऑफिशियल वर्क करते थे, अपना सारा पेपर वर्क, जितना भी उनका रिकॉर्ड होता था वो वहाँ पे रिकॉर्ड करके रखते थे, क्लियर। मतलब उनकी जो भी अगर कोई केस बना है, हमारे इंडिया में कोई केस हो रहा है, तो वो सब कहाँ रिकॉर्ड करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, क्लियर। ये यहाँ पे था। उसके बाद कंपनी आर्मी, देखो कॉलोनियल रूल का क्या मतलब है,
बेटा कॉलोनियल रूल का मतलब होता है, अब जैसे एक दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आके उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, मतलब दूसरी कंट्री के रूल लोग जब दूसरे देश में जाके उनके ऊपर रूल करते हैं, जैसे ब्रिटेन के लोग जो ब्रिटिशर्स हैं आए इंडिया में और हमारे ऊपर उन्होंने रूल स्टार्ट कर दिया, तो इसका ये मतलब है उन्होंने कॉलोनी बनाई यहाँ पे, ठीक है? तो मतलब हमारे ऊपर उन्होंने कॉलोनियल रूल किया, क्लियर? तो कॉलोनियल रूल की वजह से बहुत सारे नए आइडियाज़ भी आए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, जैसे हमें उनके थ्रू पता चला कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी रखने चाहिए, ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी रखने चाहिए, हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, हमारे पास हर चीज़ के ऑफिसेज होने चाहिए। ये सारे आइडिया हमें कहाँ से आए? उनसे आए, ठीक है? उसके बाद ये बताते हैं कि जो कंपनी थी धीरे धीरे एक्सपेंड होती गई, मतलब उसकी आर्मी जो थी वो धीरे धीरे एक्सपेंड होती गई, ठीक है? वो बहुत सारी चीज़ें रखने से लगे, अपने जो आर्मी को एक्सपेंड करने लगे, मतलब जो मेनली मुगल आर्मी होती थी वो उनको हायर करते थे, जैसे पहले राजाओं के पास होती थी ना, जैसे औरंगज़ेब था, मुगल्स थे, वो अपने आर्मी रखते थे, वो लोग भी आर्मी रखने लगे, ठीक है? लोगों को ट्रेन करने लगे कि ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ना चाहिए, तो उन्होंने ये सब स्टार्ट कर दिया और वो धीरे धीरे अपनी कंपनी की आर्मी उन्होंने बहुत बड़ी कर ली। ओके, देखो अब इसके बाद कंक्लूजन में बेटा ये बता रखा है, कंक्लूजन इस चैप्टर का क्या निकलेगा, कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट, कि एक कंपनी के थ्रू, एक कंपनी की वजह से ब्रिटिशर्स ने 100 साल 200 साल इंडिया पे रूल किया है एक कंपनी के थ्रू, मतलब वो यहाँ पे आए सिर्फ बिजनेस करने, पर अब उनको रिस्ट्रिक्शंस लगी बिजनेस के बीच में, तो पहले उन्होंने बंगाल को हटा दिया, उसके ऊपर रूल करने लगे, फिर धीरे धीरे उन्होंने मैसूर में टीपू सुल्तान को भी हरा दिया, फिर बहुत सारे उन्होंने ऐसी पॉलिसीज निकाली जिसके थ्रू बहुत सारे स्टेट्स उनके अंडर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, क्लियर? एक ये भी पॉलिसी निकाली कि अगर राजा ने हमें पैसे नहीं दिए तो हम उसका किंगडम अंदर ले लेंगे, तो ऐसे करते करते उन्होंने हमारे पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, हम लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दस द ईस्ट इंडियन कंपनी वर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, कि मतलब जो कंपनी बिजनेस करती थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में, मतलब लैंड को कब्ज करने में, मतलब कि वो हमारी लैंड के ऊपर रूल कर रहे थे, हमारे कॉलोनियल पावर के ऊपर रूल कर रहे थे, हमारी कॉलोनी मतलब बाहर देश से आके यहाँ पे कॉलोनियल रूल कर रहे थे, क्लियर? तो तुम देखो कि वो क्या बता रहे हैं कि 1857 तक भी कंपनी जो है 63% हमारी टेरिटरी पे रूल करती थी, मतलब हमारे देश की 63% टेरिटरी पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे 1857 तक। उसके बाद देखो हमें आज़ादी तो कब मिली है, हमें आज़ादी मिली है 1947, ऑलमोस्ट 100 साल हो गए, ठीक है? 90 इयर्स तो हो गए ना, हमें 90 इयर्स के बाद इसके बाद आज़ादी मिली, मतलब 90 साल तक तो लोग ऐसे ही उनको फॉलो करते रहे, उनके अंडर रूल होता रहा, उनके अंडर ही सब कुछ चलता रहा, वो चला रहे हैं हमारे देश को, हमारे देश के अंदर आके वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ठीक है? तो 63% टेरिटरी पे रूल वो 1857 तक ही करने लग गए थे, और 78% लोगों के ऊपर, मतलब कि 63% तो हमारी टेरिटरी और 78% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हमारे इंडियन जो लोग थे, मतलब 78% लोगों के ऊपर वो रूल कर रहे थे, ठीक है? ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए और उस बिजनेस की वजह से उन्होंने हमारे ऊपर रूल स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हें हमेशा पता होनी चाहिए कि ब्रिटिशर्स कैसे आए, कैसे उन्होंने अपना रूल किया, कैसे कैसे धीरे धीरे एक्सपेंड कर दिया इतने परसेंट तक, 1857 तक उन्होंने 63% टेरिटरी हमारी अपने अंडर ले ली, ठीक है? ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है, एंड आई विल सेंड दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर इन योर यूडीटी ऐप, डू इट विद योर सेल्फ, अच्छे से कंप्लीट करके मुझे पिक्चर भेज देना, और कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना। मैंने आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप रीड करो, 15-20 मिनट्स लगेंगे रीड करने में, अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझसे लो, ठीक है? और अपना ध्यान रखो, टेक केयर।